अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई उसको समझेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे महाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप में क्या फर्क होता है। तो उसको समझने से पहले आइए हम मानचित्र समझते हैं। महाद्वीप और महासागर को मानचित्र पर किस प्रकार देखा जाता है या किस प्रकार समझा जाता है उसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अगर आप पृथ्वी पर देखोगे तो पहले आप मानचित्र देखिए। यहाँ पे ये जो सफेद कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है? स्थल है। स्थल यानी कि जमीन है। और ये जो नीले कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीले कलर वाला भाग जल है। जल यानी कि पानी है। अगर आप पृथ्वी पर देखोगे तो आपको दो ही चीजें दिखाई देगी। 29% भाग आपको स्थल दिखाई देगा। स्थल यानी कि जमीन। ये सफेद कलर वाला जो भाग है ये क्या है? स्थल है। और 71% भाग पृथ्वी के ऊपर जल पाया जाता है। जल यानी कि पानी। ये चारों तरफ देखेंगे जो बहुत नीला नीला कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब क्या है? ये सब जल है। ठीक है, पृथ्वी पर 29% भाग स्थल यानी कि जमीन पाया जाता है, 71% भाग जल पाया जाता है। इतना आप समझ लिया रहेगा। अब हम समझते हैं कि महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है? समुद्र सतह से ऊपर उठे हुए बहुत बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है। ध्यान से समझिए, ये समुद्र सतह है। समुद्र सतह से ऊपर उठे हुए बहुत बड़े स्थलीय, ये सब देख रहे हो, बड़े बड़े स्थलीय भूभाग हैं। बहुत बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पे जो सफेद कलर का दिखाई दे रहा है सब महाद्वीप हैं। पृथ्वी के ऊपर कुल 7 महाद्वीप हैं। वो कौन कौन से महाद्वीप हैं, आइए समझते हैं। सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। समझ में आ गया? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। दूसरा जो है अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरा है उत्तरी अमेरिका। चौथा है दक्षिणी अमेरिका। पांचवा है अंटार्कटिका। छठवा है यूरोप। और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी के ऊपर कुल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे आप देख के थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे, यूरोप और एशिया ये दोनों एक ही स्थलखंड है, लेकिन यहाँ पे यूराल पर्वत क्या करता है? यूरोप और एशिया को अलग करता है। इतना आप समझ में आ गया रहेगा। दोस्तों, अभी हम समझते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, प्रायद्वीप समझने में लोगों को काफी समस्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, एशिया के दक्षिण भाग में यहाँ पे आपको भारत दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप परिभाषा समझिए तो आपको समझ में आएगा। प्रायद्वीप उन भूखंडों को कहते हैं जो एक तरफ स्थल से जुड़ा होता है और तीन तरफ पानी से घिरा होता है। प्रायद्वीप उन भूखंडों को कहते हैं, यहाँ पे भारत देखिए एक तरफ क्या हुआ है, स्थल से जुड़ा हुआ है और तीन तरफ पानी से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। कैसा लिखोगे? प्रायद्वीप उन भूखंडों को कहते हैं जो एक तरफ स्थल से जुड़ा होता है और तीन तरफ पानी से घिरे होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। अभी द्वीप किसे कहा जाता है? द्वीप उन भूखंडों को कहा जाता है जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं। द्वीप उन भूखंडों को कहा जाता है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा द्वीप है, चारों तरफ क्या हुआ है? पानी से घिरा होता है। बहुत बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है और छोटे जो स्थलीय भूभाग होते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। समझ में आ गया रहेगा। अभी हम पृथ्वी के ऊपर कितने महासागर हैं उसको समझते हैं, मानचित्र के ऊपर इसका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर कुल 5 महासागर हैं। वो कौन कौन से हैं इसको हम देखते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं महासागर क्या होता है। महासागर जो होता है जलमंडल का प्रमुख भाग होता है। जो पानी दिखाई दे रहा है इसको जलमंडल कहा जाता है। महासागर जलमंडल का भाग होता है जो 71% पृथ्वी को ढाके रखता है पानी से। अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, पृथ्वी जो है 71% पानी से ढका हुआ है, उस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर कुल कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर। कौन कौन सा महासागर है?
अब देख रहे होंगे यहाँ पे भी प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी प्रशांत महासागर। दोस्तों पृथ्वी अपनी गोल होती है, गोल होती है। अगर हम पृथ्वी को खोल दें तो कुछ इस प्रकार हमने अपने सुविधा के लिए क्या किया, इसको फैला दिया। फैलाने के बाद ये प्रशांत महासागर, ये अलग अलग नहीं है, एक ही भाग है। समझ में आ गया रहेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों एक ही भाग है, अगर आप ऐसे जोड़ देंगे तो एक ही हो जाएगा, पृथ्वी गोल है ना। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। दूसरा जो है अटलांटिक महासागर, दूसरा कौन सा है, अटलांटिक महासागर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अटलांटिक महासागर है। तीसरा है हिंद महासागर, तीसरा कौन सा है, हिंद महासागर। चौथा है दक्षिणी महासागर, दक्षिणी भाग में होने के कारण इसका नाम क्या है, दक्षिणी महासागर है। ये देखो यहाँ पे हिंदुस्तान है इसलिए इसका नाम हिंद महासागर है। और इधर आपको दिखाई दे रहा होगा ये कौन सा महासागर है, ये आर्कटिक महासागर है। पृथ्वी के ऊपर कुल 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। आप मानचित्र में समझ सकते हो कि महाद्वीप कहाँ पे है और महासागर कहाँ पे हैं। अब हम समझते हैं महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसको हम समझते हैं। दोस्तों मैं लिखने के लिए थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, एशिया और यूरोप को मैं मिटा दूंगा ताकि आपको लिख के समझा सकूं। जर्मन के एक जलवायु शास्त्री थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत 1912 में, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। आइए समझते हैं, पृथ्वी अपनी गोल है। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में यानी कि अतीत काल में, बहुत समय पहले अतीत काल में, जितने भी स्थलखंड हैं, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, अफ्रीका हो, यहाँ पे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये समस्त स्थलखंड आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। यानी कि पूरे पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप हुआ करता था। उस महाद्वीप को उन्होंने क्या नाम दिया, पैंजिया नाम दिया। यानी कि अतीत काल में पृथ्वी के ऊपर एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम उन्होंने पैंजिया दिया, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने पैंजिया दिया। और पूरे पृथ्वी पर एक ही महासागर हुआ करता था जिसका नाम उन्होंने पैंथालासा दिया। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, एक विशाल महाद्वीप हुआ करता था। उस विशाल महाद्वीप का क्या नाम था, पेंजिया नाम था। और एक ही पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक महाद्वीप था और एक ही महासागर हुआ करता था। उस एक महासागर को उन्होंने क्या नाम दिया, पैंथालासा दिया। फिर समय के साथ क्या हुआ, पेंजिया का विखंडन हो गया, पेंजिया यानी कि टूट गया, पेंजिया टूट के दो भागों में बढ़ गया। पेंजिया क्या हो गया, समय के साथ टूट गया। उन्होंने टूटने का इसका कारण भी बताया, मैं आपको बता दूंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। कुछ समय बाद क्या हुआ, पेंजिया का विखंडन हो गया, पेंजिया दो भागों में टूट के अलग हो गया। पेंजिया दो भागों में बट गया, एक उत्तर और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी वाले भाग को उन्होंने नाम दिया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और दक्षिणी वाले भाग को उन्होंने गोंडवाना लैंड कहा। वेगनर ने क्या कहा, कार्बोनिफेरस युग के बाद जो पेंजिया था उसका विखंडन हो गया, पेंजिया दो भागों में बट गया, एक भाग उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ और एक भाग पश्चिम की तरफ। उन्होंने क्या कहा, जितने भी महाद्वीप हैं वो पृथ्वी के सतह के ऊपर तैरते हैं। उन्होंने बताया जो स्थलखंड हैं, जो स्थलखंड होता है पृथ्वी के सतह पे तैरता है, तैरने का मतलब साल में 1 या 2 इंच अपने जगह से खिसक जाता है। तो उसके बाद जब पंजिया टूट गया तो उसके बीच में थोड़ा सा जगह आ गया, इस जगह में पानी भर गया, तो यहाँ पे एक सागर बना जिससे उन्होंने उस सागर का नाम दिया एथिस सागर। पंजिया का विखंडन हो गया तो ऊपर वाले उत्तरी भाग को उन्होंने अंगारा लैंड कहा, दक्षिणी वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा। और जो टूटने के बाद जगह में जब कोई चीज टूट जाता है, चारों तरफ पानी है तो बीच में पानी भर जाएगा, जहां पे पानी भर गया उन्होंने उसका क्या नाम दिया, टेथिस सागर दिया। फिर समय बदलता गया, उसके बाद अंगारा लैंड भी टूट गया, अंगारा लैंड भी टूट के अलग अलग भागों में बट गया।
तो अंगारा लैंड टूटने के बाद कौन से महाद्वीप का निर्माण हुआ? एशिया, एशिया और यूरोप और उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया अंगारा लैंड के भाग थे, क्योंकि अंगारा लैंड क्या हो गया, टूट के अलग अलग भागों में बट गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया रहेगा। और एक जो गोंडवाना लैंड था ये भी टूट गया, अलग अलग भागों में बट गया। तो कौन से अलग भागों में बटा? अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, प्रायद्वीपी भारत और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब किसके भाग थे? ये सब गोंडवाना लैंड के भाग थे। ये जो था दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपी भारत, ये जो था किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, इसी प्रकार महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया रहेगा। ऐसे बहुत सारी वीडियो देखने के लिए कृपया मेरा YouTube चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।